के नारा लगाएं, अभी सदर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग आपके नारों का जवाब देंगे। जरा सारे खड़े हो जाएं और परचमों को लहराते हुए, जज्बात को गरमाते हुए नारे तकबीर, दोनों हाथ बुलंद करके गूंज पर जाए नारे तकबीर। पाकिस्तान का मतलब क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, नजरिया पाकिस्तान ही बकाए पाकिस्तान है, नजरिया पाकिस्तान ही बकाए पाकिस्तान है। अब खिताब के लिए तशरीफ लाते हैं लेबर फेडरेशन पाकिस्तान के सदर एहसान चौधरी साहब। कारकुनान से गुजारिश है कि दाएं बाएं पंडाल में कुर्सियों पे तशरीफ रखें, ये बिल्कुल आखिर आके ये जो बेटा सदर किसके पास है? अंदर अपी मरियम के पास। पार लगी हुई है, इस पर ज्यादा रश ना करें, बड़े नजम के साथ, इत्मीनान के साथ, दिल जमी के साथ तशरीफ रखें। काबिल एहतराम मेरे बुजुर्गो भाइयों नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। यहाँ पे मुख्तलिफ कायदीन आ रहे हैं तो वो अपनी अपनी बात करते जा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि सन 47 से लेकर आज तक हमारे बड़े जो कुर्बानियां देते आए हैं, अब भी कुर्बानियों का सिलसिला जारी है। मेरे आप तीन भाई रास्ते में सन 47 में शहीद हुए और अब हमें भी वो अदारा मिला जहां शहीदों की दास्तान है। मेरा तल्लुक वाटा पैगाम यून से है, मिली लेबर फेडरेशन से है और हमारे मुलाजमीन लोगों के घरों में रोशनियां जलाते हुए खंभे के ऊपर लटक जाते हैं और यहाँ तक कि उनका चेहरा और उनकी सारी की सारी बॉडी झुलस जाती है, लेकिन उसको उतारने के लिए तैयार करते हैं। हम आज भी कुर्बानियां दे रहे हैं। तो कायदीन मैं आपसे ये कहता हूँ कि अल्लाह की मेहरबानी से अगर हम मुल्क में लोगों के घरों में रोशनियां जलाने के लिए कुर्बानियां दे सकते हैं तो मुल्क की सरहदों के लिए हम कुर्बानी क्यों नहीं दे सकते? और जब भी कुर्बानी दी है वो गरीब ने दी है, ना कि अमीरों ने दी है। उनके तो बच्चे निकलते ही नहीं है। इंशाल्लाह पाकिस्तान के लेबर के लोग जो गरीबों की मदद करते हैं, गरीबों के घरों की रोशनियां जलाते हैं, वो हर किस्म की कुर्बानी देंगे, इस मुल्क का तहफ्फुज़ करेंगे। हमें तो है ही नहीं है कि इस मुल्क पे कोई मैली नजर लगा के देखेगा, चाहे इंडिया हो चाहे वो अमरीका हो, वो हमारी तरफ मैली नजर लगा नहीं दे सकते, क्योंकि हम तो कुर्बानियां देने वाली कौम है। हम ना के खीर खाने वाले मजनू हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले हैं और नारे तकबीर मर के सड़क पे आने वाले हैं। मर गए तो शहीद, बच गए तो गाजी। इंशाल्लाह ये मुल्क का तहफ्फुज करेंगे, इस मुल्क के मामलात को इंशाल्लाह चलने देंगे। यहाँ पे सूद वाला मामला नहीं रहने देंगे, यहाँ पे हम किसी भी ऐसे मादे को खत्म नहीं होने देंगे जिससे हमारा एटमी बम या और कोई मादा हो। इंशाल्लाह हम जिंदा जावेद हैं। हम कायदीन आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि इंशाल्लाह मिली लेबर फेडरेशन और वापडा पैगाम यून के मजदूर जहाँ मर्जी आप बुलाएं वो कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं और इंशाल्लाह हर किस्म की कुर्बानी देंगे, लेकिन इस मुल्क की तहफ्फुज़ की जमानत देते हैं हम इंशाल्लाह इस मुल्क का तहफ्फुज़ करेंगे, इस मुल्क के लिए
और किसी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेंगे। वमा लाना इल्ला अल्लाह।